अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार के सूबे के मुखिया पर टिप्पणी करने का मामला थमा भी नहीं था कि अब केरल से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों पर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्ष ने तो केरल के सीएम की तुलना यूपी के सीएम से कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। अक्सर लोग सरकार की नीति या सरकार के रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सरकारों, नेताओं और मंत्रियों पर आपत्तिजनक या फिर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर कानून का डंडा बड़ी तेजी से चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक स्वतंत्र पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए पत्रकार को फौरन रिहा करने के आदेश दिए। लेकिन अब इस कड़ी में केरल का नाम भी जुड़ गया है, जहां मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ के दूसरे नेताओं के खिलाफ टिप्पणी के चलते करीब 138 लोगों पर केस दर्ज होने की बात सामने आई है। आम नागरिकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस साल मध्य जनवरी तक करीब 119 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उसके बाद से करीब 19 मामले और सामने आए हैं। सीएम विजयन के खिलाफ पोस्ट में इजाफा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं 119 में से 12 आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं और एक केंद्र सरकार के स्टाफ में भी शामिल है। राज्य सरकार के जिस भी कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उन्हें निलंबित किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये डेटा सदन में एक सवाल के जवाब में पेश किया गया, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के नेता रमेश चैनीथला ने तो आरोप लगाया कि विजयन उनकी आलोचना करने वाले मासूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। इतना ही नहीं, रमेश ने विजयन की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी। उन्होंने कहा कि यहां भी यूपी के सीएम की तरह लोगों से बर्ताव किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।